जगह थाना क्षेत्र के गौरी घाट पुल के पास दोहरे हत्याकांड में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त 10,000 के इनामी अपराधी को जगह पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि विगत दिनों सोशल मीडिया पर छिड़े विवाद के बाद वर्चस्व की जंग में दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें शामिल 10 आरोपी अभियुक्तों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं गुरुवार को हत्या में शामिल फरार चल रहे आरोपी अभियुक्त विकास साहनी उर्फ विक्कू साहनी पुत्र राजू साहनी निवासी ग्राम जंगल रामलखना थाना खोराबार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं इस घटना का खुलासा करते हुए सीओ चौरी चौरा रचना मिश्रा ने बताया कि जगह थाना अध्यक्ष द्वारा मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि जगह थाने के दोहरे हत्याकांड में वांछित अभियुक्त विकास साहनी उर्फ विक्कू साहनी पुत्र राजू साहनी निवासी जंगल रामलखना थाना खोराबार दुबियारी पुल के पास खड़ा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। साथ ही सीओ चौरी चौरा रचना मिश्रा ने युवा वर्ग से अपील किया है कि सोशल मीडिया के जरिए आकर्षित हो रहे युवा गलत शौक को ना पालें, गलत संगत का परिणाम गलत ही होता है, इससे उनके परिवार के लोगों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वह अपने दायित्वों को समझे और अपराध की तरफ आकर्षित ना होकर किसी दिखावे में ना आकर आपराधिक घटना में शामिल ना हो, इससे उनका भविष्य खराब हो जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ चौरी चौरा रचना मिश्रा ने कहा, थाना जलहा में हुए दोहरे हत्याकांड में बहुत सारे अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था, जिसके क्रम में एसओ जंगहा की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर कई लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा। उसी क्रम में एक और वांछित अभियुक्त बिक्कू साहनी सन ऑफ राजू साहनी, जो कि रामलखना गांव रामनगर कड़जहाँ का रहने वाला है, उसकी हमारी पुलिस द्वारा एसओ जंगहा ने गिरफ्तारी की और उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा जाए। मैम, इसमें घटना में कितने लोग शामिल थे, कितने लोगों को जेल भेजा जा चुका है? अभी तक हम इस घटना में 10 लोगों को जेल भेज चुके हैं, आज इन्हें एक और भेज रहे हैं। अभी जैसे जैसे और तथ्य प्रकाश में आएंगे और इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, अभी अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध घटनास्थल पर इनकी मौजूदगी थी और अभिजीत के साथ ये लोग भी वहाँ पे गए हुए थे। जो अभी इसके पहले मुलजिम जेल गया सनी, वो अभिजीत और बिक्कू ये लोग एक गाड़ी से गए और पूरे घटनाक्रम को सरंजाम देने में इन लोगों की सहभागिता रही। इसका कोई पहले का अभी आपराधिक इतिहास है? हमारे यहाँ का ये अभी इसी मुकदमे में इन पे 10,000 का इनाम घोषित था। आप सभी बंधुओं के माध्यम से मैं अपने गोरखपुर पुलिस की ओर से ये अपील करना चाहती हूँ कि यदि आप इन मुलजिमों को इस मर्डर केस में, डबल मर्डर में शामिल सभी मुलजिमों को अगर आप देखें तो एकाध को छोड़ के सभी नई उम्र के हैं और ये जो मेरे पीछे खड़ा है ये 10,000 का इनामी इतनी कम ही उम्र में अपराध कारित करके हो गया। आप सभी के माध्यम से जो नए युवा वर्ग से मेरी यही अपील है, अपने वरिष्ठ उच्चाधिकारियों के लेवल से, ये उनके लेवल से जारी दिशा निर्देशों के क्रम में ये अपील मैं कर रही हूँ कि नए लड़के ये बात जानें कि अपने परिवार के प्रति अपने दायित्वों को समझें, समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझें और यदि वो कुछ जीवन में करते हैं तो उसका परिणाम उनके साथ साथ परिवार को भी भुगतना पड़ता है, उनके समाज को भी वो चीज़ भुगतनी पड़ती है। इसलिए यह चीज़ दिमाग में कायदे से बिठा लें कि हर गलत कार्य का परिणति फिर गलत ही होती है अंततः, और जिसका अंजाम जेल की सलाखों के पीछे जाने के साथ ही खत्म होता है। फिलहाल तो नहीं, ये सब यारी दोस्ती के चक्कर में की गई चीज़ें हैं जिसमें इन लोगों ने इसको एक खेल समझ के कारित कर दिया और मनुष्य का जीवन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अमूल्य है, इस बात को इन्होंने दरकिनार करते हुए फिल्मी अंदाज में यह घटना कारित करने में अपने साथियों का सहयोग किया और इस बात से नए युवा वर्ग को एकदम सबक लेना चाहिए कि सोशल मीडिया, मोबाइल्स, दोस्ती और नई तकनीकों का सहारा अच्छे कामों के लिए लें, न कि इस तरह के जघन्य अपराधों को कारित करने के लिए। धन्यवाद।